इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका डेली न्यूज में स्वागत है। इंडिया न्यूजीलैंड शर्मनाक हार के बाद सेकेंड 20 में खिलाड़ी की वापसी लगभग तय है। अब भारत के भी ख्याल नहीं दोस्तों। न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेले जा रहे 5 मैचों में T20 सीरीज से पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। बता दें कि भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने का आमंत्रित किया था, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 203 रन बनाए। वहीं भारतीय टीम के 204 रनों का लक्ष्य दिया। वहीं 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करते उतरी टीम इस लक्ष्य को 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस बीच ने 6 विकेट से अपने नाम कर ली। वहीं पहला T20 मैच हारने के बाद दूसरा T20 मैच के लिए न्यूजीलैंड अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकती है। दरअसल बता दें कि पहला T20 मैच हारने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान ने कहा था कि कहीं ना कहीं विकेट लेने की तरीके ढूंढना होगा। इसके साबित होता है कि न्यूजीलैंड की टीम गेंदबाजों का नाकाम होना है हार है। असली वजह यह है कि दूसरे ही T20 मुकाबले में स्टार्क कुंगलेन की वापसी हो सकती है। अगर हमें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।